हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श सूर्यवंशी। टुडे आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। दोज आर ऑलरेडी आस्क इन ओलंपियाड लेवल। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है पहले देखते हैं। द पॉइंटेड टीथ इन बकल कैविटी, जो टीथ पॉइंटेड होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको केनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? केनाइन, दैट इज बी, पहले का भी हो जाएगा। दूसरा, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। ठीक, इसका हो जाएगा सी, दूसरे का सी। थर्ड का चलते हैं, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट इज विली, तो उसमें जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको विली कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? विली। ठीक है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किसको बोलेंगे? रूमिनेंट्स उन सबको बोलेंगे जो कि फूड को अंदर की तरफ लेते हैं, फिर उसको बाहर की तरफ निकाल के उसको स्मॉल पीसेस में कट करने के लिए उसको मुंह चलाते रहते हैं, उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, बफेलो हुआ, कैमल हुआ, गोट हुई, ये सभी हो गए। ठीक है, दैट इज ऑल ऑफ दीज। फोर का डी। फिफ्थ में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का पार्ट कौन नहीं है? न्यूट्रिशन का पार्ट जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की बेसिस पे, पहले देखते हो डाइजेशन इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी न्यूट्रिशन का पार्ट है और एसिमिलेशन भी न्यूट्रिशन का पार्ट है। एक्सक्रीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फाइव का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। किसके थ्रू करता है अमीबा? क्या होता है कि अपना मान लो फूड है तो अमीबा इसको चारों तरफ से धीरे धीरे पहुंचना शुरू करेगा, फिर इसके बाद ये फूड को चारों तरफ से अपनी तरफ इंगल्फ करने की कोशिश करता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियल मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडियल मूवमेंट, दैट इज सी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, ग्रासेस इन रिच इन, जो ग्रासेस होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? रिच इन अ स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन ओनली बी डाइजेस्टेड बाई रूमिनेंट्स। सेलुलोज होता है। कौन होता है? सेलुलोज। कौन होगा? सेलुलोज, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर एट, एमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन। एमाइलेज किस में पाए जाएंगे? एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं किसमें? दो जगह, एक होते हैं सलाइवा में और दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे देखने की क्या बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है सलाइवा। एमाइलेज कहाँ होता है? सलाइवा में, दैट इज बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब। लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, दैट इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव टीथ। टीथ किस में नहीं पाए जाएंगे? टीथ मोस्टली किस में नहीं पाए जाते हैं? बर्ड्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज जो लास्ट ऑप्शन होगा आप, सॉरी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो 10 क्वेश्चन का प्रॉब्लम था, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था, जो ओलंपियाड में पूछे गए क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क ऑन ग्रुप। ठीक है, और पर्सनली मैसेज आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।